कार स्टार्ट कर रहा है। क्या किया जाता है, कैसे गरीबों का मकान तोड़ा जाता है, हमारा कोई राजनीतिक तालुका नहीं है सर, तो फिर मकान को तोड़ा जाता है। सर ये 30 साल पुराना मकान है, ये मकान भेजो भाई आईडी दे दीजिए। ये पुलिस वाले यही सरकार आपकी जब मकान प्ले कर दिया, प्ले कर दिया, प्ले कर दिया, तब आपको लगेगा कि ये क्या होता है प्रशासन। सर आप लोग थोड़ा भी रिलीफ नहीं दिए, बिना नोटिस के आपने मकान गिरा दिया मेरा। नाम बताइए, नहीं हम सर चौकी नहीं जाएंगे, हम बैठे हैं सर, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपका मकान गिरेगा ना श्रीवास्तव जी, उस दिन पता चलेगा कि ये गरीब का मकान गिराने में क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। इसमें देखिए, इसमें बोलिए, ये बताइए क्या चाहते हैं, क्या है रविशंकर चौधरी, क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। मामला ये है कि जो डीएम साहब ने आदेश जारी कर रखा है आपको सर, हमने वो प्रतिदिन देंगे सर, हम दिखा रहे हैं जो डीएम साहब ने अपने खुद के ये आदेश जारी किया है। आप देखिए इस पे जो चर्चा किया है सर, 386 उनकी जमीनें खाली है, इधर देखा सामने सामने 386 जो जिला अधिकारी महोदय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मतलब नगर आयुक्त साहब ने जो आदेश जारी किया है, 386 इनका बंदे के जमीन में है और 423 इनका खाली जमीन है और 403 जिसको बता के ये तोड़ रहे हैं वो जमीने उधर है सर। ये जो नंबर है सर 402 का है, हमने लगभग 6 महीने से कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि सर हमारी जमीने नाप दीजिए, हमारी जमीने नप जाएंगी तो जो आपकी जमीने हैं आप नहीं गिरा पाएंगे तो हम गिराएंगे। ये मामला जिला न्यायालय में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट का मेरे पास स्टेटस भी है, हाई कोर्ट का सारा कागज इनको हमने दिखाया कल रात में जाके वहाँ, ये हाई कोर्ट का कल ही अभी डेट लगा था, सुनवाई थी इस पे, इन्होंने हाई कोर्ट को नहीं माना, जिला न्यायालय को नहीं माना, और जब डीएम महोदय के पास जाते हैं तो डीएम महोदय से ये लोग मिलने नहीं देते, इनके बाबू स्टोनो। ये बताइए, ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर जिला है, यहाँ अधिकारियों को हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, यहाँ के अधिकारी हमारी बातें नहीं सुन रहे, डीएम महोदय के पास जाते हैं तो बोलते हैं जाओ बाबू से मिलो, बाबू के पास जाते हैं बाबू कहता है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, वो जमीनें गिरेगी। हम कहते हैं सर कोई रिलीफ दे दीजिए, डीएम साहब से मुलाकात करवा दीजिए, ये लोग डीएम साहब से नहीं मुलाकात करवाते हैं, हम नगर आयुक्त के पास आते हैं, नगर आयुक्त के जो अपने गुंडे रखे हैं, जो कर्मचारी रखे हैं, वो अंदर गेट के घुसने नहीं देते हैं, हम मुख्यमंत्री कार्यालय जाते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय पे वहाँ बैठे लोग कहते हैं मकान टूट जाएगा सरकारी है, हम कहते हैं सर बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पैमाइश करा दीजिए सर, मेरी पैमाइश करा दीजिए, आपकी जो जमीने होगी हम दे देंगे, हम स्वेच्छा से उससे हमसे ज्यादा ले लीजिए जमीने, लेकिन एक गरीब के खून पसीने से बने मकान को न तोड़िए। जिस दिन सर ये फोर्सेस तैयार है, जितनी 4 थाने 10 थाने की फोर्सेस और जो अधिकारी तैयार है, जिस दिन इन पे बुलडोजर चलेगा ना वही उस दिन इनको समझ में आएगा कि ये बुलडोजर का हालात क्या होता है। सर ये गोरखपुर जिला और हमारा चौरसिया होना पाप है, अगर जो हमारे भी सांसद विधायक मंत्री होते तो हमारी भी सुनवाई होती, पता नहीं प्रशासन शासन के दबाव में है या मुख्यमंत्री के दबाव में है, हमारा मकान नंबर का मकान है सर, ये सब जो कागजात ये गिरा रहे हैं, जो ध्वस्तीकरण कर रहे हैं ये लोग, ये हमारे नंबर के मकान सारे कागजात है सर, ये सारे कागजात हमने डीएम को दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय में दिया, हर जगह दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इन लोगों का साफ कहना है कि मकान गिर जाएगा। बताइए केवल मेरा यही है कि हमारा राजनीति का आधार नहीं है और मैं चौरसिया हूँ इसलिए मकान गिरा रहे हैं, और राजनीति का आधार होता हमारे भी डीएम एसपी होते एक बार फोन कर देते, पुलिस वालों की हैसियत नहीं होती कि हमें नाली में धक्का मारते हुए बर्बरता से हमें मारते हुए यहाँ तक नहीं ले आते सर, ये मेरी बस इतनी कमी है कि हमारा कोई राजनीति का आधार नहीं है, हमारे लोग डीएमएसपी कलेक्टर नहीं है सर, इसीलिए ये लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ से सरकार से अपील करता हूँ कि सर अगर जो मकान तो आप गिरा दिए, मेरे परदादा दादाओं का एक
मंजिला तो गिरा दिए, खून पसीना तो गिरा दिए, लेकिन सर एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन कोर्ट का फैसला अगर जो आ जाएगा कि हमारे फेवर में है, क्या आप हमारा मकान बना के देंगे? क्या हमारा मुआवजा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप नहीं इसलिए देंगे क्योंकि आपको जल्दबाजी है, तोड़वाने की जल्दबाजी है। आप लोग सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मान रहे, आप लोग जिला न्यायालय को नहीं मान रहे हैं। आपकी कितनी बड़ी ताना क्या मांग है आपकी बताइए। हमारा रविशंकर चौरसिया नाम है और मेरी मांग है कि इसकी हम लोगों के रहते हुए हम लोगों के जानकारी में इसकी फिर से पैमाइश हो, फिर जाके इस पे जो भी निर्माण कराना है ये लोग निर्माण कराएं। क्या कार्रवाई करेंगे इस पे? हम लोग कोर्ट में ये मामला चल रहा है सर, कोर्ट से हम लोग न्यायालय के मानने वाले लोग हैं, हम लोग कोर्ट के और जिला न्यायालय पे जो चल रहा है जो वहाँ का फैसला आएगा सर वो हम लोग। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक ठीक। रुकिया भाई, हेलो हेलो हेलो, सही बात।